हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिनेश सर आईटी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी की, जो 25 अप्रैल का जो एग्जाम हुआ, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। यदि आप लोगों का पेपर है तो आप लोग जरूर इसको पढ़ें और आपका अनुभव हो जाएगा कि आप किस तरह क्वेश्चन सही करके आए या गलत क्वेश्चन करके आए। तो पूरा हम पढ़ लेते हैं देर ना करते हुए। और मैं आपको बता दूँ, आप जो पटवारी का एग्जाम है वो इसका जो महाकुंभ है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है, यानी 26 अप्रैल को लास्ट का एग्जाम है। इसके बाद फिर कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद हम आपको यहाँ पर मेरिट भी बताएंगे आप लोगों को, और मेरिट में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं हर शिफ्ट में पूरे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टीकमगढ़ से दतिया जाने के लिए कौन से राज्य से होकर गुजरना पड़ता है? तो आपका ये उत्तर प्रदेश राज्य है जहाँ पर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतरचंद चट्टोपाध्याय की रचना कौन सी है? तो उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, उसमें दी थी आपको बताना था। तो पहला पंडित सौम्य, दूसरा है बैक्टर बिल मेज, दीदी श्रीकांत, ये उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं यहाँ पर, रीवा संभाग में कौन से जिले नहीं आते? तो रीवा संभाग में आपको उसमें ऑप्शन दिए थे, उसमें शेड्यूल नहीं आता है, लेकिन आते कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख लो, रीवा आता है, सतना आता है, सीधी आता है और सिंगरौली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, नरेंद्र मोदी जो बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी, कौन से नंबर के बने हुए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिण भारत अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजोन नदी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, विश्व में कितने लोग गरीब हैं ये बताना था? तो उसमें ऑप्शन दिए थे आपको, उसमें देखना था 2.0 बिलियन यहाँ पर जो है, जो लोग यहाँ पर गरीब है पूरे विश्व में सभी देशों के यहाँ का जोड़कर बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी समिति प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करती है? तो तेंदुलकर समिति होती है वो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय एंग्लोर मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वरेन हेस्टिंग यहाँ का इसका जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, राबर खेड़ी में किसकी समाधि स्थित है? तो पेशावा बाजीराव के यहाँ पर समाधि यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन है? तो ये आलिया भट्ट को कहा गया है, ठीक है ना, आलिया भट्ट जी को यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तारिक तो वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य यंत्र आता है? तो जैसे इससे तार में तार लगा होता है, एक तारा में तार लगा होता है, वीणा में तार लगा होता है, कामयाचा में तार लगा होता है और सांगली में आपका तार लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से अलग कौन है? उसमें ऑप्शन दिए थे, इसमें मान लो जो गोदनगर नदी है ये इसमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ द आईआईपी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय मिशन आदित्य L1 निम्नलिखित में किससे संबंधित? तो ये सूर्य से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शेड्यूल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो शेड्यूल में अनूपपुर आता है, शेड्यूल आता है उमरिया यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चेरी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये सुक्तिमती यहाँ पे राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शीश महल किसने बनवाया था? तो महाराजा जयसिंह ने यहाँ पर शीश महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1957 पे यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अलराज ने यहाँ पर इसका खिताब जीता था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये सब लोग जानते हैं, लेह लद्दाख में यहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्वच्छ भारत मिशन का आयोजन दिल्ली में किस ग्राउंड से स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? तो राजघाट से यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकाय नगर परिषद का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? तो ये प्रथम बैठक हुई थी उस समय से ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, 1736 में किसने राजा बदावर के ऊपर आक्रमण किया था? तो बाजीराव प्रथम ने की अगुवाई में मराठा सेना ने यहाँ पर किया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका गगनयान मिशन से संबंधित क्वेश्चन आया था, और एक आपका क्वेश्चन आया मोहम्मद एग्लो बाबर संबंधित क्वेश्चन आया था जो हमको मिल नहीं पाया, और एक आपका बाबर से संबंधित क्वेश्चन आया था, एक आपका आया था क्वेश्चन आपातकाल राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन आया था वो हमको सही नहीं बता पाए। यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर कैसे बनाया गया है? तो आपको वो बताना था। तो जितने भी हमको जो MPG की GS के क्वेश्चन मिले हमने आपको बता दिए फर्स्ट और सेकंड से। चलिए अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर साइंस के क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो साइंस का क्वेश्चन पहला आया, एस्चेलिमेथ के संघ में कौन सा आता है? तो कृत्रिम अथवा गोल कृत्रिम एस्क्रेस संघ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बायोगैस में कितने प्रतिशत तक मीथेन होता है? तो 75% यहाँ पर मीथेन पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, तो फाइलेरिया जो रोग होता है वो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। एक आपको क्वेश्चन पूछा गया अपचयी रोग से संबंध कौन सा होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में इसकी गैस कौन सी होती है, तो आर्गन जो गैस होती है वो पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया सिल्वर कल्चर में किस किसका अध्ययन किया जाता है, तो वनों और बच्चों के वैज्ञानिक का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेरिया बैक्रोटी परजीवी कीड़ों की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है वो इन कीड़ों की वजह से होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बिल्स बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। एक क्वेश्चन आपका है संपर्क बल कौन सा होता है, तो आपका पेशी और जिस बल आपके होते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे पेट से तना ये क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर में आपका कंट्रोल प्रेसर पर ऐसे भी का क्या कार्य होता है, तो आप टास्क मैनेजर में आप ओपन इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट की तरह उसका उपयोग किया जाता है प्रोजेक्ट की तरह, तो वो आपको बताना था। एक क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको उसमें दिए थे डिवाइस आपको बताना कौन सा उसमें नहीं है। इसके पश्चात ये क्वेश्चन आया कौन कंप्यूटर मेन भाग नहीं होता तो काम करता है, आपको बताना था। एक आपका यूपी प्रकाश द्वारा किस प्रकार के रोम को मिटाया जा सकता है वो क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका एमएस एक्सेस से फाइबर टेबल में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है वो आपको बताया था, आपको बताना था। तो हमको जो भी कंप्यूटर के प्लस जी के प्लस विज्ञान के जो क्वेश्चन मिले हुए हैं फर्स्ट और सेकंड से पहले जितने भी हमको मिल पा रहा है हमने आपको यहाँ पर बता दिए। यदि आप लोगों का एग्जाम था तो आप लोग जरूर देख सकते हैं, वो आप अनुभव लगा सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सही थे। तो आप जो पटवारी का एग्जाम है वो लास्ट 26 अप्रैल को होने वाला है, तो आप इसका जो महाकुंभ है वो कम से कम 15 अप्रैल से मार्च से यहाँ प्रारंभ हुआ था और ये 26 अप्रैल को यहाँ पे खत्म होने वाला है, यानी एक महीने से अधिक इसकी जो चलने वाली रहा। और बड़ा इसमें बड़े अच्छे अच्छे हमें जो आवेदक मिले जिनके नंबर अच्छे आए हैं और जिनके नंबर कम भी आए। चलिए हम पूरा बताएंगे जो उनका क्या इनके कट ऑफ रहने वाला है, पूरा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे संबंध में। ओके दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको संबंधित क्वेश्चन है या कोई भी बैंकिंग संबंधित जानकारी मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके दोस्तों, थैंक्स।